यस कंटिन्यू करते हैं जेई के सेशंस। देखिए 2019 के क्वेश्चंस हैं, अगेन सेम पर्पस, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना, कंसेप्ट डेवलप करना, 11th 12th को पढ़ने के पैटर्न्स को समझना और क्या डिफरेंस होता है 11th 12th की पढ़ाई में और कॉम्पिटेटिव पढ़ाई में, स्पेशली फॉर जेई वो समझना। जेई में जो क्वेश्चन आते हैं उनका बेस 11th 12th होता है, पर पढ़ने के पैटर्न में क्या चेंज लाना है वो जरूरी है। वो चीज मैंने फाउंडेशन में बहुत अच्छे से कवर की। देखिए जरा, द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अक्सर रैशनल टर्म पूछा जाता है, इसमें रैशनल टर्म पूछा है। ये क्वेश्चंस कई बार किए, इसकी सबसे पहले डायरेक्ट टेक्निक समझिए। 5 और 10 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 10, 60 में 10 का डिवाइड किया 6, 6 + 1 7, 7 रैशनल टर्म होंगे, इरेशनली रैशनल टर्म होंगे। टोटल कितने टर्म मिलेंगे 61 माइनस 7 किया आपने तो कितना मिल गया 54। दिस इज द राइट आंसर। अब मैं इसके टेक्निक्स बताता हूं। ये तो हुई अप्रोच, क्योंकि हमें एक चीज समझना है कि जितना कम लिखेंगे, एवरी स्टेप सेव मोर देन 20 सेकंड, और आपको राइटिंग वर्क कम करना है, मेंटल वर्क ज्यादा करना है और लॉजिकल तरीके से पेपर को सॉल्व करने की आदत डालनी है अगर जेई में बहुत अच्छा स्कोर करना है। देखिए सबसे पहले देखिए द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। अब रैशनल नहीं पूछा, इरेशनल पूछा। अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या होगा तो समझिए, आप लिखते 7 पावर 60 बाय 5, फिर नेक्स्ट टर्म होता तो लिखते आप -60c1 7 पावर 59 बाय 5 एंड 3 पावर 1 बाय 10। दिस इज इरेशनल टर्म। ऐसे कितने टर्म होंगे? तो आपको बेसिकली टोटल टर्म पता है, n प्लस 1 होता है 61, और इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है जनरल टर्म निकालना होता है, पर वो भी मैं आपका टाइम बचाऊंगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 10, तो 60 बाय 10 किया तो मिला 6, तो 6 टर्म और एक ये फर्स्ट टर्म भी होता है, तो 7 रैशनल टर्म है। तो टोटल टर्म में से रैशनल टर्म माइनस कर दीजिए तो अपने आप ही इरेशनल टर्म बचते हैं, राइट? ये इसका तरीका होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और समझिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द सीरीज 3 बाय 4 क्यूब 1 1 बाय 2 क्यूब 2 1 बाय 4 क्यूब 3 क्यूब अप टू 15 टर्म, इसका समीशन गिवन है 225 k। आपको वैल्यू ऑफ k बताना है। बीच में देखिए 3 का क्यूब है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां 4 नहीं है, यहां पर 4 है। इसका मतलब इसका पैटर्न को आपको स्टडी करनी है। अब इसके पैटर्न की स्टडी करनी मीन्स ये 3 बाय 4 का क्यूब है, आप चाहें तो 2 प्लस 1 3 बाय 2 है, यानी 6 बाय 4 का क्यूब लिख सकते हैं। यहां देखिए कितना होगा 8 प्लस 1 9 बाय 4 का क्यूब। अब आप कैच कर गए क्वेश्चन को, यहां पर ऑब्वियसली 12 बाय 3 का क्यूब होगा, इसके लिए इसको 3 का क्यूब लिख दिया, राइट? 12 बाय 4 का क्यूब। इसका मतलब ऐसे 15 टर्म है। अब देखिए ध्यान से, मैं एक तो 1/4 कॉमन ले सकता हूं, यानी 1/4 कॉमन लिया तो 1/64, 3 का क्यूब कॉमन ले सकता हूं, 3 का क्यूब मतलब 27। अब क्या मिला आपको, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 15 का क्यूब, बिकॉज 15 टर्म है। अब लॉजिकली देखें तो इसका मतलब 225 k अपॉन में कुछ नहीं है, 27 एक आ गया, यानी 27 के चांस है, पर ये सभी 27 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए हम पूरा करेंगे। अब ये सिग्मा एन क्यूब हो गया, तो क्या हो जाएगा 27 बाय 64। अब सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला, अब देखिए इसी को बोलते हैं कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है, होल स्क्वायर, यानी बेसिकली एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बाय 4। कहीं पे मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मत करिए, पहले एन लिखिए, तो 15 का स्क्वायर, यानी 15 × 15, एन प्लस वन मीन 16, तो 16 का स्क्वायर 16 × 16 अपॉन 4। अब देखिए 15 × 15 हो गया 225, राइट? ये 4 टाइम कैंसिल, 16 × 4 = 64, ये भी कैंसिल, तो 27 × 225, देन आंसर विल बी 27। यानी आपके कंसेप्ट अगर अच्छे हैं, आपको फॉर्मूले के लिए अगर आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आता सेकंड, तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर आपसे 100% सॉल्व होगा। यही एक चीज है, और इसलिए सेशंस कंटिन्यू कर रहा हूं कि आप अप्रैल वाला जब जेई मेंस अगेन दें तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दें, और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपका 11th 12th का कंसेप्ट बहुत अच्छा बनाना है। घबराना नहीं है कहीं भी, अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वहां के स्कोर नहीं आते, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप जेई के एक्चुअल क्वेश्चंस को किस लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा क्या क्वेश्चन है। साइन पावर 4 अल्फा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस पावर 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू 0 to π, देन कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ऐसे क्वेश्चन को मैं एक चीज बोलूंगा,
आप अगर वैल्यू लेके करेंगे तो कई बार जल्दी होगा। वैल्यू में एक चीज समझ में आती है, ये रूट टू है और यहां पर रूट टू कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि पावर फोर है। इसका मतलब एक वैल्यू ऐसी लीजिए जो 45 हो और एक वैल्यू ऐसी लीजिए जो आपको 1 बना रही। जैसे अगर मान लीजिए मैं अल्फा की वैल्यू, सपोज मैं अल्फा की वैल्यू ले लूं 45 डिग्री, राइट। अगर अल्फा की वैल्यू मैंने ली 45, बीटा की वैल्यू ले लीजिए, इनफैक्ट बीटा की वैल्यू ली मैंने 45 डिग्री और अल्फा की वैल्यू सपोज ली मैंने 90 डिग्री, क्योंकि ये साइन 90 यहां पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो साइन 90 कितना, 1 + 4 × कॉस 45 होता है 1/√2 और उसकी पावर 4 है, यानी 1/2 इसका मतलब 1/4 + 2 ये कैंसिल, 1 + 1 + 2 ये हो रहा है 4। अब RHS को चेक करिए ये एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, 4√2 sin 1/√2 ये cos 45 बन बार, ये देखिए बीटा आपने कितना लिया 45 और ये हो गया 5, रूट टू से रूट टू कैंसिल यानी 4, ये बिल्कुल सही वैल्यू आई, राइट। जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो जीरो हो जाता। अब इसका मतलब आपके पास अल्फा और बीटा है। अब जैसे cos अल्फा प्लस बीटा यानी cos 135 यानी -1/√2, राइट, एंड माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी फिर 45 -1/√2, इसका मतलब -√2 इज अ राइट आंसर। तो थोड़ा सी हिट एंड ट्रायल से समझ में आ गया था, देख के मैंने आपको बोला कि यहां पर आपको रूट टू नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब एक 45 रखना था, एक 45 के साथ 90। इसको 45 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इसको 90 लेता तो जीरो हो जाता, वो बैलेंस नहीं होता। तो कुछ एक चीजें आप बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली कर सकते हैं, तो थोड़ी सी कोशिश से एक अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको अपने आप ही ट्रिक्स आने लगेंगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू 3π/4 to 5π/4 डिटरमिनेंट ए लाय इन द इंटरवल, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किस इंटरवल में लाय करेगी। अब देखिए आपके पास रेंज दी हुई है, आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो जीरो बना के भी निकाल सकते हैं, मेंटली करें तो भी जाएगा। 1 के साथ जब करेंगे तो देखिए 1 + sin²θ, साइन थीटा के साथ किया तो -sin θ + sin θ ये जीरो हो जाएगा पोर्शन, प्लस 1 के साथ फिर किया तो sin²θ + 1, राइट। इसका मतलब लॉजिकली 2 + 2 sin²θ मिलेगा। अब देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको 3π/4 से अगर 5π/4 के बीच में जाना है तो एक चीज पता है, स्क्वायर की वैल्यू जो है किसी भी स्क्वायर की, अभी भले हम ना बात करें तो भी हमें पता है 0 से 1 के बीच में ही लाए करेंगे, राइट। इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए कि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 होगी, जैसे इसके बीच में आपको जब पाई मिलता है तो 0 होगी तो आपको मिलेगा 2, यानी मिनिमम वैल्यू जो अगर हम देखें तो 2 से भी स्टार्ट हो सकती है, ये 2.5 से हो रही है रिजेक्ट, राइट। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ये भी रिजेक्ट, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ये भी रिजेक्ट, उलझने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर मैंने बोला कि 2 तो मिलेगी, 2 से कम हो सकती है क्योंकि यहां पर डिवाइड भी कर रहे हैं आप, तो एक चीज समझिए यहां पर कि 2.5 आपको 0 रखने पर 2 मिल रहा है तो 2.5 के पहले से स्टार्ट होगी, 0 से बिल्कुल नहीं हो सकती, 1 से बिल्कुल नहीं हो सकती, तो बचा हुआ ऑप्शन इज 3/2 to 3/2 to 3, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।